अब मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों, स्टाफिंग का प्रोसेस आप जानते ही हैं। स्टाफिंग का कोड मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल, MRP2PC, MRP2PC, MRP2PC। पहले चेक करते हैं सर, बताओ एम से क्या बनता है? सर सर एम से बनता है मैन पावर। ध्यान समझना, पूरा का पूरा स्टाफिंग का चैप्टर आपके टिप्स पर, मैन पावर रिक्रूटमेंट, राइट। चटपट थोड़ी सी देर में पूरा चैप्टर आपके टिप्स पर होगा, बस ध्यान से देखते जाओ। 100% चैप्टर मैं आपको यही कवर करा दूंगा। एम से हो गया मैन पावर रिक्रूटमेंट। आर से बताओ क्या होता है? सर आर से एक बनता है हमारा, बनता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो पहले हम क्या लिखते हैं यहां पे? रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। और उसके बाद ही क्या बनता है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सर मजा ही आ गया, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। फिर अगर तुम्हें ध्यान हो तो रिक्रूटमेंट से हमने क्या किया था? रिक्रूटमेंट में हमने दो चीजें पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक हमने पढ़ा था एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, याद आ गया, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। और एक हमने पढ़ा था इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल में कौन से थे सर? इंटरनल में दो थे, एक ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। एक ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। हाँ सर याद आ गया, मजा ही आ गया। एक्सटर्नल का क्या कोड था? एक्सटर्नल का कोड मैंने ललाय को तुम्हें सिखाया था, अकबर ने, याद आ गया। हाँ सर, अकबर ने हिंदी में था दीवार। दीवार की स्पेलिंग थी DEWAR, अकबर ने दीवार में चुनवाई, चुनवाई लेडी, इज्जत से नाम देंगे, इज्जत से बोलेंगे लेडी अनारकली, ठीक है। कहानी भी सुना दी तो मैंने अकबर की, है कि नहीं बात? तो भैया अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवाया था ताकि वो सलीम से शादी ना कर पाए, तो इसलिए कोड ही मैंने क्या बनाया। और जो लोग दीवार में चुनवाने के लिए लेबर आई थी, वो लेबर कहां से आई थी? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से आई थी, इसलिए कोड बना था अकबर ने दीवार में चुनवाई लेडी अनारकली। अकबर के ए से क्या बनेगा, ठीक है ना? अकबर के ए से क्या बनेगा बताओ जल्दी जल्दी, ध्यान से। सर अकबर के ए से बनेगा एड्स इन न्यूज़पेपर। ने हिंदी में उससे कुछ नहीं बनेगा। डी से क्या बनेगा? डी से बनेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आप जानते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ई से क्या बनेगा? ई से बनेगा इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज। साथ साथ नोट करते जाएंगे नलायको, इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज, राइट। डब्ल्यू से क्या बनेगा? डब्ल्यू डब्ल्यू से बनेगा वेब पब्लिकेशन, वेब पब्लिकेशन। ए से क्या बनेगा? ए से बनेगा एजेंसी, जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, याद आ गया होगा, ठीक है ना, कमीशन लेती है और हमारी सैलरी भी लेती है कभी बार। और आर से क्या बनेगा? आर से बनेगा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, अमिताभ बच्चन, है ना, ठीक है। और राजकुमार, हमारे फोन से नौकरी लग जाती है, इंटरव्यू की जरूरत नहीं होती, याद आ गया, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। मे हिंदी में, इसलिए मे से कुछ भी नहीं बनेगा। चुनवाई के सी से क्या बनेगा? चुनवाई के सी से दो बनेंगे सर, एक बनेगा सी से कैजुअल कॉलर, अंकुर सर, कैजुअल कॉलर, याद आ गया। हाँ सर, आप पहुंच जाते हैं कॉलेज में। और दूसरी से क्या बनेगा? कैंपस प्लेसमेंट। वीडियो दिखाई थी मैंने आपको 3 डेट की, राजू रस्तोगी की, ठीक है, एटीट्यूड चेंज नहीं करूंगा सर, कुछ भी हो जाए। तो भैया सेल्फ डिस्कस कर लें, कैंपस रिक्रूटमेंट, राइट। लेडी के एल से क्या बनेगा? लेडी के एल से, लेडी के एल से बनेगा सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, सर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मजा ही आ गया सर। और अनारकली के ए से क्या बनेगा सर? अनारकली के ए से बनेगा अनारकली डिस्को चले, नाम ना, एड्स इन टीवी। देखो ए से यहाँ एड्स इन टीवी हो गया, अकबर के ए से एड्स इन न्यूज़पेपर हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया। ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन पर, स्टाफिंग MRP2CPC, स्टाफिंग MRP2PC। आर से क्या है? रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में अकबर ने दीवार में चुनाई लेडी अनारकली, इंटरनल में ट्रांसफर एंड प्रमोशन। फिर आता है पी, पी से क्या बनेगा सर? पी से आपको पता ही क्या होता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। चलो उससे पहले सर सिलेक्शन रह गया, अरे हाँ सर सिलेक्शन रह गया। सिलेक्शन में हमने सीखा था सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस सीखा था।
तो सिलेक्शन के प्रोसेस में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कोड लिखवाया था सुरो के ताज रॉकस्टार माइकल जैक्सन। ठीक है, माइकल जैक्सन बहुत ही बढ़िया लगते हैं मुझे भी। तो भैया सुरो के ताज रॉकस्टार माइकल जैक्सन। एस से क्या था? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी फर्स्ट राउंड इंटरव्यू, मैंने आपको बताया था राइट। टी से क्या बनेगा? ताज के टी से बनेगा सर हमारे टेस्ट। टेस्ट को मैं इधर लिख रहा हूं राइट। टी से बनेगा टेस्ट राइट। टेस्ट एंड इंटरव्यू याद आ गया सर, टेस्ट एंड इंटरव्यू एक साथ। रॉक के आर से क्या बनेगा सर? रॉक के आर से बना था रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। ठीक है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। माइकल के एम से क्या बनेगा? माइकल की साइकिल के आएगा नीचे। माइकल कैसे बनेगा सर? मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आपकी जॉब में रिक्वायरमेंट है कि मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। और जैक्सन के बाद क्या बने? जे से बनते हैं दो चीजें, जैक्सन से जे से जॉब ऑफर, और जॉब ऑफर के साथ साथ आपको करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, बात जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट राइट। फिर सर, फिर क्या था? टेस्ट सर, टेस्ट की एक खास बात थी कि हमने टाइप ऑफ टेस्ट पढ़े थे। टेस्ट भी हमने कितने टाइप के पढ़े थे? पिटाई, PITAI, नोट करते जाना, एक बड़े से चार्ट पर ताकि याद हो जाए सर। पिटाई पढ़ा था टेस्ट से हमने, पिटाई। ठीक है ना। पी से क्या था बताओ? पी से था मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, याद करना पर्सनैलिटी टेस्ट। आई से क्या बनता था टेस्ट में? आई से क्या बनेगा सर? इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है ना, इंटरेस्ट टेस्ट। टी से क्या बनेगा? ट्रेड टेस्ट सर, याद आ गया। ए से क्या बनेगा? एप्टीट्यूड सर, एप्टीट्यूड टेस्ट। और आई से क्या बनेगा? इंटेलिजेंट टेस्ट। आई से क्या बनेगा सर? इंटेलिजेंट टेस्ट। ये मेरे हो गए पहले दो पॉइंट। M से मैन पावर रिक्रूटमेंट, R से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में एक्सटर्नल इंटरनल, ये उसका कोड है। सिलेक्शन का प्रोसेस का सुरो के ताज रॉकस्टार माइकल जैक्सन, सुरो के ताज रॉकस्टार माइकल जैक्सन। टेस्ट के सुरो के ताज के टी से टेस्ट, और टेस्ट से बनती है हमारी पिटाई। जब भी हम स्कूल में टेस्ट देते थे नंबर नहीं आते थे, घर वाले कूटते थे बढ़िया तरीके से। टी पी से क्या बनेगा सर? पी से बनता है सर प्लेसमेंट, याद आ गया। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ये हमने पढ़ लिया था। फिर सर टी से क्या बना था? टी से बना था सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक बहुत ही खतरनाक चीज याद की थी हमने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या किया था हमने? ट्रेनिंग में दो चीजें पढ़ी थी, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ध्यान से छोटे छोटे लिख रहा हूं, ढंग से नोट करना। ऑन द जॉब, और एक थी मेरी ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब तो नलायको ऑफ द जॉब में सिर्फ एक ही था। ऑफ द जॉब में तो सर सिर्फ एक ही था, आपको पता ही है कौन सा? विस्टिबल ट्रेनिंग। ऑन द जॉब में सुनना ध्यान से, बहुत ही खतरनाक बात। ऑन द जॉब में मैंने आपको एक गाना सुनाया था बहुत ही शानदार, याद आ गया होगा वो गाना। वो गाना था जय हो आजा आजा जिंद शाम आने के तले जय हो। तो कोड बना था ऑन द जॉब, जॉब में जब भी हम जाते हैं यही गाना गाते हैं, जय हो राइट। जे से क्या बना था सर? जे से बना था जॉब रोटेशन। ठीक है ना। ए से क्या बना था? ए से बना था अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आई से क्या बनेगा सर? इंटर्नशिप, जो मैंने की थी इंटर्नशिप ट्रेनिंग। एच से, साथ साथ नोट करने जाना, एच से बहुत खतरनाक बात है, जो मैंने आपको शाहरुख खान की वीडियो दिखाई थी चक दे इंडिया वाली। हमारे कोच शाहरुख खान कौन थे सर? शाहरुख खान थे हमारे कोचिंग, यानी हमारी कोचिंग उन्होंने दी थी। तो एच से बनेगी हमारी कोचिंग वाली ट्रेनिंग। और ओ से आपको पता ही है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग राइट। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही शानदार तरीके से। और सर फिर पी से क्या बनेगा? पी से बनता है हमारा प्रमोशन। ठीक है,
और सी से बनता है फिर हमारा कंपनसेशन। राइट, उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ध्यान से देखो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो बालको, ये पूरा का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस, पूरा का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर। ये आपने याद कर लिया ना, ये आपने बना लिया, पूरा का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस आपका टिप्स पर है। राइट, झट से रिवाइज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, तो आप क्या बोलोगे सर? MRP2PC, ये मेरा स्टाफिंग का प्रोसेस है। फिर अगर क्वेश्चन आया रिक्रूटमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताओगे सर दो तरह से रिक्रूटमेंट होते हैं। राइट, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल में कौन सा आता है? अकबर ने दीवार में, अकबर ने दीवार में चुनवाई लेडी अनारकली, ये उसका कोड बिल्कुल सामने। उम्मीद है बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। फिर अगर पूछा गया सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन के प्रोसेस शुरू के ताज रॉकस्टार माइकल जैक्सन, जिसमें जिसमें टेस्ट टेस्ट कितने टाइप के होते हैं सर? टेस्ट होते हैं हमारे 5 प्रकार के। राइट, जिसका कोड था पिटाई, PITAI, पिटाई सर। उसके बाद टी से बनता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या बनता है सर? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कोड हमने क्या पढ़ा सर? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोड पढ़ा ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, ऑफ द जॉब में वेस्टिबल और ऑन द जॉब में है जय हो जय हो जय हो, तो ये आपके कोड थे। राइट, शानदार तरीके से आपके चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। आपके टिप्स पर अब स्टाफिंग का चैप्टर है, केस स्टडी, एमसीक्यू सब आपको आते हैं। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% अटेम्प्ट करना है, पूरे में से पूरे नंबर लाने, विद प्रेजेंटेशन 100 में से 100 आपको एग्जाम में लाने हैं। यही यही आपका कर्तव्य, धर्म कर्म सब है। 100 में से 100 लाइए, खुद को आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाइए, अपने माँ बाप को एक जीने का मकसद दीजिए। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक क्या करना है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दुआओं में याद रखिए।